आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए है, यानी कबीर दास जी का जीवन परिचय है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे त्रैमासिक में, वार्षिक में, अर्धवार्षिक में, हर जगह ये आपको मिलते हैं कि कबीर दास जी का जीवन परिचय लिखिए, कबीर दास जी का कृतियाँ लिखिए। तो मैं आपको आज बताऊँ कि कबीर दास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। और अच्छे से अच्छे नंबर पाने के लिए अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीवन परिचय। इस साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले कबीर दास जी का जन्म, यानी कि जो साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले कबीर दास जी के जन्म और जन्म स्थल को लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो कि मानते हैं कि इनका जन्म काशी में सन 1398 तथा कुछ सन 1440 हुआ मानते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका कहना है कि जो कबीर दास जी हैं उनका जन्म कुछ लोग मानते हैं कि 1398 में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि 1440 में हुआ था। यानी कि इनका कोई कंफर्म सन नहीं है ये कब किस सन में पैदा हुए थे। तो इन्होंने विद्वानों के हिसाब से यहाँ हम मान लेते हैं कि इनका जन्म 1398 भी कह लेते हैं और 1440 भी कह लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि लोगों ने, यानी कि वैज्ञानिक ने गणना की कि इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण के परिवार में ही हुआ था, लेकिन विधवा होने के कारण लोक लाज के डर से इनकी माँ ने इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। यानी कि जो कबीर दास जी हैं उनका जन्म एक ऐसी माँ ने दिया था जो विधवा थी, और विधवा होने के कारण उनको समाज से डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने जब कबीर दास जी को पैदा करते ही उन्होंने एक लहर तारा यानी कि लहर तारा नामक एक तालाब पर ले जाके उनको छोड़ दिया। वहाँ ये एक मुस्लिम दुलाहे दंपति यानी कि नीरू और नीमा को मिले। जब वहाँ पे कबीर दास जी ने एक जुलाहे यानी कि एक मुस्लिम कास्ट के दंपति यानी पति पत्नी जो नीरू और नीमा थे उनको कबीर दास जी मिल गए। उन्होंने कबीर को अपने पास रख लिया और उनका लालन पोषण किया। यानी कि जो ये मुस्लिम जुलाहे थे दंपति यानी कि जिनका नाम था नीरू और नीमा, उन्होंने किसे कबीर दास जी को अपने पास रख लिया और उन्होंने ही किसी कबीर दास जी को का पालन पोषण शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने पैतृक व्यवसाय को अपनाया, यानी पैतृक व्यवसाय यानी पिता का जो कार्य था उसे उन्होंने अपनाया और कपड़ों की बुनाई करने लगे। और उनके पिता क्या करते थे, कपड़ों की बुनाई करते थे, यानी कि उनके जो पिता थे वो कपड़े का व्यवसाय करते थे और फिर उसने कबीर दास जी ने अपने पिता के ही व्यवसाय को अपना लिया। कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है जो कबीर दास जी थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि जो कबीर दास जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अवतार मूर्ति पूजा आदि में विश्वास नहीं करते थे। ये पूजा पाठ में विश्वास कभी नहीं करते थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे किस गुण के उपासक थे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कबीर दास जी जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कहा जाता है कि कबीर दास वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए। यानी कि कहा जाता है कि जो कबीर दास जी को किसी ने बताया होगा तो उन्होंने ज्ञान पाने के लिए कबीर दास जी वाराणसी के एक पंचगंगा पड़ती है घाट, वहां पर जाकर इन्होंने लेट गए और रामानंद जी का ही प्रतीक्षा करने लगे। जब स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतरे तो उनका पैर कबीर दास के शरीर पर चढ़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। उसी राम की दीक्षा मंत्र मानकर कबीर दास ने रामानंद को स्वीकार कर अपना गुरु बना लिया। यानी कि कबीर दास जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। तो इन्होंने किस कारणवश बनाया कि वो स्वामी रामानंद की सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो उनका जो पैर था यानी जो रामानंद जी का पैर था वो जाके कबीर दास जी के शरीर पर चढ़ गए और उनसे उन्होंने इसी को अपना
मुख से राम राम शब्द निकाला, उसी राम को दीक्षा मंत्र मानकर कबीरदास जी रामानंद को स्वीकार कर अपना गुरु बना लिए। नेक्स्ट आते हैं, कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था, यानी कि वो विवाहित भी थे, शादीशुदा थे। तो कबीरदास जी की पत्नी का जो नाम था वो लोई था, ठीक। और उनके जो पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र का नाम कमाल था और उनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी एवं सुधकड़ी है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो क्या है, पंचमेल है, खिचड़ी कहा जाता है उसे, और सुधकड़ी है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी भाषा की बोलियाँ ये शब्द सम्मिलित हैं। यानी कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम हिंदी भाषा के रूप में जानते हैं। जैसे कि हो गया राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, ब्रज भाषा के शब्द अधिकतर ये प्रयोग करते रहते हैं, यानी किए गए हैं। कबीरदास जी मानते हैं कि गति कर्मों के अनुसार मिलती है, यानी कि जो मनुष्य की जो गति होती है वो उन्हें कर्म के अनुसार ही मिलती है, ना किसी विशेष स्थान पर मृत्यु के कारण मिलती है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट आगे देख सकते हैं कि इसलिए वह अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए थे। जब कबीरदास जी की मृत्यु समीप आ गई थी और उन्हें ये पता चला, तो वो मगहर छोड़कर वो काशी चले गए, यानी काशी को छोड़कर वो कहाँ चले गए थे, मगहर। नेक्स्ट, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी, यानी कि लोग ऐसा मानते थे कि काशी में मगहर में मरने वालों को पर मृत्यु मिलती है, ठीक है, जो मगहर में मरते हैं उन्हें मृत्यु मिलती है। मगहर में सन 1518 में विद्वानों के अनुसार उन्होंने सांस ली। बहुत सारी इनकी कृतियां हैं, कृतियां तो निम्न, तो इन्हें केवल तीन माना गया है, कबीरदास जी की तीन कृतियां हैं। कृतियां में हम देख सकते हैं कि जो एक धर्मदास जी हैं, ठीक है, धर्मदास ने कबीर की उकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ से किया है, जिसके तीन मुख्य भाग हैं, यानी कि इसमें तीन आते हैं, साखी, शब्द, रवैनी, जिसका मेन होता है बीजक, ठीक है। तो यहाँ पे जो धर्मदास जी हैं वो कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ से किया है, जिसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला है साखी, ठीक है, कृतियां जो पहली है वो है साखी, अर्थात साक्षी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सेकंड आता है सवद, ये पद है जिसमें संगीत विद्यमान है, इसमें कबीरदास की प्रेम और अंतर साधना की अभिव्यक्ति हुई है। थर्ड नंबर पे आता है रमणी, यानी कि कबीरदास जी का जो तीन कृतियां थी, पहला था साखी, दूसरा था सवद और तीसरा है रमणी। तो रमणी में यहाँ पे हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि चौपाई छंद में जो लिखी गई है, यानी कि जो रमणी है वो ज्यादातर चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीरदास जी के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। रमणी में एक खास बात क्या होती है कि जो चौपाई छंद होता है, ठीक है, जो चौपाई छंद है वो रमणी में ही आपको मिलेगी, और कबीरदास जी कुछ ऐसे रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है, ठीक। तो ये रहे कबीरदास जी के जीवन परिचय, कृतियां और उनके ग्रंथ। तो यहाँ पे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।